हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस ज्योग्राफी का हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पतियों के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। तो ये है सबसे पहले 5 प्रकार की वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय सदाहार वन, सदाबहार वन, जहाँ पर वर्षा होती रहती है हमेशा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन था झाड़ियाँ। फिर जो ज़्यादा ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं उसमें भी कुछ अंतर दिखाई देता है कमी और ऊंचाई के कारण। पर्वतीय क्षेत्रों की वनस्पति को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जाता है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ये वन 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले ओक था चेस्टनट वृक्ष पाए जाते हैं। फिर शंकुधारी वन आ जाते हैं। ये वन 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर इन वनों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन एवं घास के मैदान। ये वन घास के मैदान 3000 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई पर वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। फिर अल्पाइन वन है, ये 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वन पाए जाते हैं। जिस सिल्वर फर है, जूनीपर है, पाइन है, बर्च है, ये सभी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण दीजिए। पादप का मतलब है पौधे। तो इसमें क्या कारण है? निम्नलिखित कारण है, वनों की जैसे कटाई हो रही है तो इससे क्या है, जीव और पौधों की प्रजातियां का जीवन कष्ट में है, संकट में है। फिर व्यापार करने के उद्देश्य से भी, पशुओं का अत्यधिक शिकार करने से भी इनका जीवन संकट में है। फिर रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट और तेजाब के जमाव के कारण भी ये सभी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। 6th क्वेश्चन है, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? यानी कि वनस्पति है और प्राणी है, भारत में अधिक कैसे पाए जाते हैं, क्या कारण है इसके? क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपने पहले पढ़ा है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो धरातलीय स्वरूपों में यहाँ अंतर पाया जाता है। जैसे वनस्पति जगत की धरोहर है भारत में, भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 प्रकार की जातियों के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, जो भारत विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के 4थे स्थान पर है। लगभग 15,000 फूलों के पौधे, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है, और भारत में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल, ये सब भी पाए जाते हैं। फिर प्राणी जगत की धरोहर कैसे है? यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं और भारत में 2,000 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों के लगभग 2,540 प्रजातियाँ हैं। देखो कितना मतलब यहाँ पर पाया जाता है प्राणी जगत की धरोहर भी, क्योंकि हर एक प्रकार की जातियाँ तकरीबन यहाँ पर पाई जाती हैं। तो विश्व की जो लगभग 12% है, भारत में विश्व के 5 से 8% तक के सरीसृप, उभयचरी, स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आपको लर्न करने हैं, 1 से 25 तक जितने भी अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी आपको लर्न करने हैं बच्चों। साथ साथ